नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार एजुकेशन गुरुजी में आपका स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 28 जनवरी 2020 के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की, और ये सभी करंट अफेयर हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हेलीकॉप्टर क्रैश में अमेरिका के कोबी ब्रायंट का निधन हो गया, इनका संबंध किस खेल से था? तो बताइए इनका संबंध किस खेल से था। तो फ्रेंड ये था बास्केटबॉल से। आंसर क्या होगा? सी। देखो किनका निधन हुआ है? कोबी ब्रायंट का। ये कहाँ से थे? अमेरिका से। कैसे मृत्यु हुई इनकी? हेलीकॉप्टर क्रैश में। क्या खेलते हैं? बास्केटबॉल। ठीक है, 2008 और 2012 में इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है इनकी टीम ने। और एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो बास्केटबॉल है इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? इसमें होते 5 खिलाड़ी, ठीक है। अब बात करते हैं भारत में बास्केटबॉल की। जो भारत में बास्केटबॉल है मेंस, इसके कोच हैं वेसलिन मार्टिक, और भारतीय बास्केटबॉल महिला टीम के कोच हैं जोरान वीसिक, ठीक है। जो बास्केटबॉल खिलाड़ी कोबी ब्रायंट की मृत्यु हुई है, इसमें इनके साथ इनकी बेटी गियाना भी थी, जिनकी एज सिर्फ 13 साल थी। ठीक है फ्रेंड, इतना काफ़ी आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे अधिक फल उत्पादन वाला राज्य कौन सा बना है? तो बताइए सबसे अधिक फल उत्पादन वाला राज्य कौन सा बना है? तो फ्रेंड ये बन गया है आंध्र प्रदेश। आंसर क्या होगा? सी। देखो सबसे अधिक फल उत्पादन वाला राज्य तो बन गया आंध्र प्रदेश। अगर बात करें सबसे अधिक सब्जी उत्पादन वाला राज्य है पश्चिम बंगाल, लेकिन इससे पहले कौन था? यूपी यानी उत्तर प्रदेश। लेकिन इस समय सबसे अधिक सब्जी होती है पश्चिम बंगाल में, और फल होते हैं आंध्र प्रदेश में। और बात करें मसालों की, मसाले केरल में होते हैं और कॉफ़ी कर्नाटक में। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिए हैं, फल उत्पादन में पहले 3 राज्य हैं, पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे उत्तर प्रदेश। और बात करें सब्जियों में 3 टॉप के राज्य हैं, पहले पे है पश्चिम बंगाल, दूसरे पे उत्तर प्रदेश, तीसरे पे मध्य प्रदेश। अब पहले नंबर पे कौन है? पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री तो है ममता बनर्जी। कौन? ममता बनर्जी। और वहाँ की राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। राजधानी है कोलकाता। और जो 44वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला है ये भी कहाँ पर हुआ है? कोलकाता में। और फ्रेंड आप इस PDF को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर आप टेलीग्राम पे एजुकेशन गुरुजी सर्च कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2 दिवसीय इनोवेशन फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? तो ये कहाँ पे शुरू हुआ है? तो फ्रेंड ये हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश के इस समय मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। और वहाँ के राज्यपाल है BD मिश्रा, और राजधानी है ईटानगर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार 2020 जीता है? तो किसने जीता है? ये जीता फ्रेंड उत्तराखंड ने। आंसर क्या हो गया? ए। और इसमें राशि कितनी मिली इनको? 51 लाख रुपए, ठीक है। राज्य में तो आ गया उत्तराखंड। अगर बात करें किसी व्यक्ति की, तो उस व्यक्ति का नाम है कुमार मुन्नन सिंह। यानी राज्य में जीता है उत्तराखंड ने, और व्यक्ति में जीता है कुमार मुन्नन सिंह ने। और इसमें पुरस्कार की राशि व्यक्ति को दी जाती 5 लाख रुपए और राज्य को 51 लाख रुपए। अब कौन से राज्य ने जीता? उत्तराखंड ने। तो उत्तराखंड के इस समय मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, और राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्या, और राजधानी आपको पता ही है क्या? देहरादून। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से राज्य ने शिव भोजन योजना शुरू की है? तो बताइए कौन से राज्य ने शिव भोजन योजना शुरू की है? तो फ्रेंड ये की है महाराष्ट्र ने। आंसर क्या हो गया? बी। और महाराष्ट्र के इस समय मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। और वहाँ के राज्यपाल है भगत सिंह, और राजधानी है मुंबई। और जो इसी भोजन योजना शुरू की है, इसमें आपको 10 रुपये में भोजन मिलेगा, यानी 1 प्लेट। और ये कहाँ पे मिलेगी? ये सेवा मिलेगी सभी जिला मुख्यालयों पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 के दक्षिण एशियाई के चुनाव प्रबंधन निकायों के चेयरमैन किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? ये चुना गया फ्रेंड सुनील अरोड़ा को। आंसर क्या हो गया? ए। देखो इस समय हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा।
देखो कुल ना तीन चुनाव आयुक्त होते हैं, एक मुख्य होता है और दो होते हैं अन्य। तो इस समय हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए सुनील अरोड़ा, और जो दो अन्य हैं ये कौन है, एक है अशोक लवासा, दूसरा सुशील चंद्र। अब बात आई चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, और इसीलिए 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केरल मीडिया अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो ये किसे किया गया बताइए, ये किया गया एन राम को, आंसर क्या होगा सी। और ये कौन है, ये है हिंदू ग्रुप के चेयरमैन, और इसके अलावा इम्पोर्टेंट है रवीश कुमार, क्योंकि इनको एक तो गौरी लंकेश्वर पुरस्कार मिला है और एक रेमन मैक्सिस पुरस्कार मिला है, ठीक है। और ये क्या है, NDTV के संपादक, कौन, रवीश कुमार। तो फ्रेंड कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, चलिए उसका आंसर जान लेते हैं। क्वेश्चन था 2020 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुरस्कार मेला कौन से नंबर का है, तो ये है 44वें नंबर का। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, निम्न में से सबसे अधिक सब्जी उत्पादन वाला राज्य कौन सा बना है, तो ये कौन सा बना है जल्दी जल्दी बताइएगा, देखते हैं किसका आंसर सही होता है। और फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ओके फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।